जिला परिषद कर्मचारी हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं वो उनके साथ हमने मीटिंग करी थी और उनको हमने स्पष्ट किया है कि सरकार उनकी मांगों के ऊपर गंभीर है। उनका सबसे पहला मुद्दा मर्जर का है, जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग मर्ज करने का है। इसके ऊपर कई मैं बोलना चाहूँगा और आपके माध्यम से जिला परिषद कर्मचारियों को भी मैसेज देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में भी बात पूरी बात है, हमने बारीकियों से कुछ एक स्टडी भी किया है, पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं ताकि बाद में जो है विवाद में ना आए, नहीं तो लोग कोर्ट में जाते हैं। कुछ सैलरीज को लेके जो हैं, क्योंकि जो पहले लगे हैं उनकी सैलरीज कम है, जो बाद में लगे हैं, क्योंकि पहले मैं बताना चाहूँगा जो लोग लगे थे 99 में वो सहायक के रूप में लगे थे और जो बाद में आए उस टाइम पे स्केल बढ़ गए थे, वो डायरेक्ट लगे थे, वो मुद्दा भी है। तो वो कैसे सुलझाना है इसके ऊपर हम लोगों ने उनको बोला है कि 15 दिन के अंदर हम आपके साथ दोबारा पुनः बैठक करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उनसे भी विस्तृत चर्चा हुई है। कैबिनेट सब कमेटी का गठन नेक्स्ट कैबिनेट में जो 11 तारीख को है उस दिन कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू जी ही इस बारे में जो है कौन मेंबर होंगे वही डिसाइड करेंगे, वही अधिकृत हैं ये बात करने के लिए। और उसके बाद इनकी पूरी जो जिला परिषद की जो मांगे हैं उसके ऊपर हम लोग आगामी कार्रवाई करेंगे, यही अपील उनसे मैंने करी गई है। नो वर्क नो पे तो लागू है, वो पहले ही चिट्ठी इशू कर दी थी। इस टाइम विपदा का समय है, 3500 करोड़ रुपए जो है सरकार जो है बारिशों में जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए दिए हैं और सारा काम जो है पंचायतों के माध्यम से ही होना है, मैक्सिमम 90% काम। मेरा यही उनसे अनुरोध भी था कि आप लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो ब्रेक ऑफ करके ज्वाइन करिए, अगर अड़ियल रवैया रखा तो सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा, जो हमने